आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, देश की हकीकत आपकी आवाज। बरेली रेलवे कर्मचारी व उसके पुत्र पर लगाया झूठा छेड़छाड़ अश्लीलता का आरोप। थाना इज्जत नगर के मठ लक्ष्मीपुर बीडीए कॉलोनी का मामला। बताया जाता है कि संबंधित कॉलोनी में रहने वाले मनोज सक्सेना अपनी पुत्री को लेकर पहले भी कई एक लोगों पर छेड़छाड़ अश्लीलता के आरोप लगाकर समझौता के नाम पर वसूली कर चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित रेलवे कर्मचारी की पत्नी सुषमा ने यह सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पति व पुत्र निर्दोष लोग हैं, क्योंकि विपक्षी शराबी कबाबी टाइप का व्यक्ति है जो हमसे पहले कई बार दबंगई के चलते पैसे ले चुका है और वापस भी नहीं करता। अब मना कर देने पर झूठे आरोप लगा मोटी रकम वसूलने की फिराक में है। महिला ने बताया कि उसने संबंधित थाने में झूठा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पुत्र मयंक व पति ने उस लड़की को अश्लीलता पूर्वक छेड़ा है। झूठे आरोप के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला के साथ संबंधित बीडीए कॉलोनी के और लोग भी मौजूद थे जो गवाही देने को तैयार थे। अभी कुछ दिनों पहले ही इस प्रकार विपक्षी ने झूठा आरोप लगाकर उसी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति से समझौते के नाम पर पैसा लिया है, जिसकी प्रतिलिपि परेशान महिला दिखा रही थी। सुषमा जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं मठ लक्ष्मीपुर बीडीए कॉलोनी थाना इज्जत नगर से आई हूँ। क्या समस्या क्या है आपकी? सर, मेरे पड़ोस में एक मनोज सक्सेना नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही बदतमीज और डिफाल्टर है, ब्लैकमेल करता है, पैसे मांगता है और ये बोलता है कि हाँ हम तुम लोगों को जान से मरवा देंगे। और हमारे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड की नौकरी लेने के लिए लेकर के धमकी देता क्या है। आपके पति के खिलाफ मुकदमा लिखवाने को झूठी तहरीर दी? जी बिल्कुल। आपके पति ने उसकी बेटी को छेड़ा? जी हाँ, पति ने भी छेड़ा और हमारे बेटे ने भी छेड़ा। अच्छा। और हमारे बेटे पे आरोप लगाया है कि घर में घुसकर हमारी बेटी के कपड़े फाड़े। वो आए दिन यही सर करता है। क्या नाम है उसका? मनोज सक्सेना। उसकी बेटी का नाम बुलबुल उर्फ साक्षी सक्सेना। उसकी मिसेस का नाम माया सक्सेना। जैसा कि आप बता रही हो कि इससे पूर्व पहले भी आपकी संबंधित बीडीए कॉलोनी के फेज टू में रहने वाले भी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाया था और बाद में उससे रुपए पैसे लेके समझौता किया जी। इसमें कहां तक सच्चाई है? जी ये है कि उसने मतलब लड़ाई किसी और से थी, लेकिन ये खुन्नस उनसे भी रखता है। ये वहां पर गया, इसकी औरत ने और इसकी लड़की ने गाली बकी, उसका प्रूफ हमारे कैमरे में है, ठीक है सर। और वहाँ पर मतलब चौकी पे समझौता हुआ है, समझौते पे इसने सारी बात अपनी लिखी है कि मैं क्या बोलते जान से मार दूंगा। और उन पर क्या आरोप लगाया था? उन पे यही आरोप लगाया कि तुम्हें भी बलात्कारी में फंसा दूंगा। अच्छा जी, मतलब लड़की का छेड़छाड़। जी हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा करना और हर और अपनी लड़कियों को उसने मोहरा बना लिया सर। उसकी अपनी खुद की लड़कियाँ नहीं है, उसने गोद ले रखी है। और बेटी है इनके पास? जी दो हैं, दोनों गोद ले रखी है। क्या और नाम है? छोटी का शिवी कहते हैं और बड़ी को बुलबुल पूर्व साक्षी सक्सेना बोलते हैं। आप ये कहना चाहती हो कि बेटियों को आधार बनाकर लोगों जी, को ब्लैकमेल करना, उन्हें मेंटली डिमोरलाइज करना, फिर समझौते के बहाने से उनसे रकम ऐंठना, इस तरीके की प्रवृत्ति है। जी जी जी। इसी विषय में आज आप शिकायत करने SSP ऑफिस बरेली आई हो? जी सर, मैं बहुत परेशान हूँ और इस बात का प्रूफ मेरी पूरी कॉलोनी दे रही है। अगर सर मैं गलत होती तो पूरी कॉलोनी। आप लोग निर्दोष हैं, आपके पति बेकसूर हैं, ये आपके सभी लोग कहने को तैयार हैं। पूरी कॉलोनी हमारी हमारे पक्ष में है। और अगर मैं सर गलत होती तो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ क्यों खड़ा होता? अगर मैं गलत होती तो